नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी जी के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मुरादाबाद द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन दिल्ली रोड स्थित TMIMT सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद पहुँचे केंद्रीय राज्य मंत्री, गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। शनिवार को दिल्ली रोड स्थित टिमिट में सेमिनार में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद में भाजपा महानगर जिला के तत्वाधान में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा वह करके दिखाया, आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है। इस मौके पर MLC जयपाल सिंह व्यस्त, नगर विधायक रितेश गुप्ता, गिरीश चंद, श्याम बिहारी, रजनीकांत जाटव, जिला मंत्री महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा मोहम्मद अयूब सैफी, पूर्व महानगर अध्यक्ष रईस पठान, शुजात अली, हाजी जुल्फिकार अहमद आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों सभी भाइयों, लेकिन मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूँ आपको। कोरोना तो ऐसी महामारी थी जो बहुत काफी कंटिन्यूस थी। चर्चा करना चाहूंगा 370-35 पे। केवल ये राजनीतिक बात नहीं है, राजनैतिक विचारधारा से या राजनैतिक रूप से जुड़े होने की बात नहीं है। इससे जातियों से परिचित कराए हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। और 370 और 35 ए के बारे में जितना गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर काम किया और 2014 के बाद अभी देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनके इस कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं और विशेष रूप से उसी के तहत इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अभी जिनको हम सब लोग सुन रहे थे, प्राचार्य महाराजा अग्रसेन कॉलेज के जो विशेष अतिथि हैं आदरणीय मेजर राजीव जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजपाल सिंह चौहान जी, आदरणीय MLC आदरणीय जयपाल सिंह जी, इस जिले की मात्र एक हमारे जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में हैं रितेश कुमार गुप्ता जी, विशेष गुप्ता जी, गिरीश वर्मा जी और विशेष रूप से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवराज सिंह चौहान जी, हमारी बहन श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जी, श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी, श्रीमती मदरसा शर्मा जी, श्रीमती अंजू गोचन जी, हमारे साथ जिन्होंने ऐसे मोर्चे के रूप में कार्य किया है और आज भी प्रदेश कार्य समिति 80 मोर्चे के प्रधानी हैं किशन लाल जाटव जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रजनीकांत जाटव जी, डायरेक्टर TMIT श्री विपिन जैन जी, श्री दीपक बाबू जी CA, डॉक्टर मीनू मेहोत्रा जी, डॉक्टर CP सिंह जी, विजय कौशल, विनय कौशल अधिवक्ता जी। विशेष रूप से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ
क्योंकि जिस समय में 2014 में लोकसभा के चुनाव की लड़ने की तैयारी के साथ साथ देश में सरकार बनाने का काम कर रहे थे और हर जगह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पहले से ही क्षेत्र में भेज दिए थे। सब जगह वो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, दौड़ रहे थे। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने लोकसभा में, जो उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, हमारी लोकसभा है, वहां मैं भी काम कर रहा था। लेकिन मुझसे कहा जाता था कि राष्ट्रीय नेतृत्व यहां चुनाव लड़ेगा। और मेरा नाम मोहम्मद अयूब सैफी, जिला मंत्री मानेगर अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। किस कार्यक्रम का एजेंडा? सर, ये आज टिमिट में दिल्ली रोड पर हमारा भाजपा का प्रमुख सम्मेलन था, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी का सम्मेलन था। उन्होंने अपना विचार रखे। हमारे मोदी जी के 20 वर्ष राजनीति में पूरे हुए, उसके उसमें उपलक्ष्य में ये सम्मेलन था। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? भाई, इस मौके पर ये कहने, आने वाले टाइम में हमारी जो पार्टी ने काम करे उसके बारे में चर्चा हुई, सबको सम्मान मिला, सबको विकास हुआ, इसी बारे में चर्चा करी माननीय मंत्री जी ने।